जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचलें तेज होने लगी हैं। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई गई अहम बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान को लेकर राग अलापा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। महबूबा ने कहा है कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, जो हमसे छीना गया है, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है, पूरे क्षेत्र में शांति करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार हमसे बातचीत कर रही है, तालिबान के साथ बात कर रही है, जम्मू कश्मीर में भी सभी के साथ बात करें और पाकिस्तान के साथ भी बात की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून को दिल्ली में एक अहम मीटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को बुलावा भेजा गया है। मीटिंग से पहले मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार ग्रुप की बैठक की गई थी, जिसमें फैसला लिया गया है। जिन्हें न्योता मिला है वे नेता पीएम के बुलावे को जरूर स्वीकार करेंगे। एक मसला था तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए।